Hello everyone, this is Ridham Shrastha, MBBS second professor student from GSVM Medical College Kanpur. So guys, आपको पता है कि कल एक notice आई थी NMC की तरफ से जिसमें लिखा था कि there will be no addition of seats of MBBS for this session. मतलब जो 2020 से 21 session में जो थी आपकी seat, total number of seat, वही आपकी 2021 से 22 वाले session में रहेगी. मतलब आपका जो NEET 2021 हुआ है उसमें seat कोई increment नहीं होगी. ठीक है, बहुत बच्चे से परेशान हो गए थे. तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लियरली नोटिस का मतलब क्या था. कि देखो, ईडब्ल्यूएस का इंक्लूजन हुआ है तो ईडब्ल्यूएस का इंक्लूजन इसी बेसिस पे हुआ था आपका. आपको याद होगा, जैसे मैं अपने यूपी स्टेट की बात बताऊँ तो यहाँ पे केजीएमसी में 250 सीट पहले से थी और 250 सीट के ऊपर एक्सपैंड करने की भी परमिशन नहीं थी बेसिकली एनएमसी के द्वारा. तो 250 के 250 रही थी, वहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं थी. ठीक है, जीएसवीएम में 2018 तक 190 सीट्स थी, यहाँ 250 कर दी गई, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का इंक्लूजन हो गया. सेम एमएलएन के साथ हुआ, एमएलएन में आई गेस 150 सीट थी तो उसको 200 कर दिया गया. ठीक है, सो बेसिकली इंक्रीमेंट हुआ था वहाँ पे, ईडब्ल्यूएस अप्लाई हुआ था, ये था. मगर इस साल ईडब्ल्यूएस अप्लाई हो रहा है मगर सीट इंक्रीमेंट कोई नहीं हो रहा है, ये इस नोटिस का कहने का मतलब था. कि मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सीट है जो जितनी पहले थी पिछले साल वही इस साल रहेगी, इस सेशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो उसी सीट में ही ईडब्ल्यूएस को भी जाएगा रिजर्वेशन, यानी कि अल्टीमेटली जनरल की सीट्स थोड़ी सी और कम होगी. थोड़ी सी क्या मैं कह रहा हूँ, काफ़ी कम होगी. ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी कम होगी. ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर भी मैं समझाता हूँ क्या वो है. ठीक है, तो पहली चीज़ ये होगी. इसका एक फ़ायदा ये भी सोचो, यानी कि कोई कॉलेज जैसे होता था कि हर साल की किसी को परमिशन नहीं मिलती थी, इस बार मतलब सबको परमिशन मिल जाएगी. अब कई लोग बोल रहे थे भैया जो नए कॉलेजेस ऐड हुए क्या उनको इस साल एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है भाई. आखिरी में उसमें लिखा कि जो चेंज इन सीट है वो सारी चीज़ें वो कर दी जाएगी, क्या नाम है, रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी एनएमसी की वेबसाइट पे. मतलब जो नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं वो तो ऐसा सच ऐड होंगे ही होंगे, मगर जो पुराने कॉलेजेस थे उनके जैसे ऑल इंडिया कोटा में इंक्लूजन हुआ है ईडब्ल्यूएस का, तो उसकी एडिशनल सीट्स नहीं बढ़ाई गई है इस सेशन में. इस नोटिस का ये कहने का मतलब है. तो आप लोग परेशान मत हो, नया नया इंटरप्रिटेशन मत निकालो कि सीट ही नहीं बढ़ रही है, मतलब नया कॉलेज ऐड नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, क्लियर हो गया है सारी चीज़ें. चलो, और फिर तुम लोग में से यार जो कोई भी यार अभी क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ITJEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, अन अकेडमी प्रोडिजी एक टैलेंट अवार्ड एग्जामिनेशन करा रहा है भाई, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है भाई. इसमें क्या होगा कि आप अच्छा करोगे इनके प्रोडिजी एग्जाम में, सो आपको अमेजिंग प्राइजेस मिलेगी ही मिलेगी, अमेजिंग स्कॉलरशिप्स मिलेगी. साथ ही साथ भाई आपको कॉलेज ग्रांट तक 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट मिल सकता है. तो भाई बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है. मैं शेड्यूल आपको दिखा दे रहा हूँ, आपके घर में कोई भी छोटा, आपका भाई बहन, आपके रिलेटिव, जो कोई भी आपके आसपास के नेबर 7th, 9th, 10th, 11th, 12th में है ITJEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे, तो आप शेड्यूल देख लो स्क्रीन पे. आपको कोड यूज़ करना है RS006 या RhythmSVT भी आप यूज़ कर सकते हो, कोड आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो इसको यूज़ कर लो भाई. और ये पूरे शेड्यूल की स्क्रीनशॉट कर लो और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से जाके अपने आप को एनरोल कर लो. सब लोग ये प्रोडिजी टैलेंट अवार्ड एग्जामिनेशन देना, सब लोग देना ये. ठीक है, कोई भी मिस नहीं करेगा. तो काफ़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, अवेल करो यार, फ्री में है, कोई आपको पैसा नहीं देना, ना मेरे को ना ही अन अकेडमी को. तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल अवेल किया करो. चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट.